औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं रिजा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। तो आज की हमारी वीडियो जो है उसका टॉपिक है rumble.com। आज की हमारी जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि rumble.com क्या है, इसका इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, उसमें आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ये वीडियो जो है ये दो वीडियोस पर मुश्तमिल है, rumble.com की पूरी जो है इसका मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या, इसमें आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वीडियोस कैसे पोस्ट कर सकते हैं, और फिर अगर आपकी अर्निंग आ जाती है मिनिमम $50 आप उसको विदड्रॉ कैसे करवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि youtube.com हर बंदा, अगर आप इसके क्रिएटर नहीं हैं तो आप इसके यूजर जरूर होंगे। youtube.com बहुत सी दुनिया जो है, बहुत से लोग जो हैं वो प्रोफेशनली यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं। बट जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब का रूल है कि आपके 4000 आवर्स होने चाहिए, वॉच टाइम आपका होना चाहिए, और आपके जो है वो 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए यूट्यूब पे अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद आफ्टर 4000 और 1000 सब्सक्राइबर इन यूट्यूब, उसके बाद यूट्यूब आपका जो अकाउंट है उसको एवेल्युएट करता है, उसको चेक करता है, उसके बाद जो है आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बट rumble.com जो वेबसाइट है इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपकी फर्स्ट व्यू के साथ ही आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। मैं आपको youtube.com से डीमोटिवेट नहीं कर रहा, youtube.com जो है ये एक लॉन्ग टर्म आप इसको लेके चल सकते हैं, बट अगर आप इन द शॉर्ट वे जो है वो अर्निंग करना चाहते हैं तो rumble.com बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आइए आपको इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि rumble.com क्या है। बट उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो लाइक करें। वीडियो लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता लेकिन उससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि rumble.com ये क्या है। रंबल एक वेबसाइट है सेम लाइक youtube.com। जैसे आप YouTube पे वीडियोस पोस्ट करते हैं वैसे ही आप Rumble पे वीडियोस पोस्ट करते हैं। जैसे आपको YouTube पे व्यूज के अर्निंग आती है, व्यूज के आपको पैसे मिलते हैं, सेम आपको rumble.com जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी आपको पैसे मिलते हैं। तो YouTube जो है उसका थोड़ा सा आपका अर्निंग का सफर जो है वो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है, आपको जो है उसके रूल्स जो है उनको फॉलो करना पड़ता है कि 4000 वॉच टाइम आवर्स होने चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए, लेकिन rumble.com में ऐसा नहीं है। मैं जो है वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, लास्ट 3 से 4 साल से जो है वो मैं rumble.com से अर्निंग कर रहा हूं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूं। YouTube पे भी मेरे बहुत ज्यादा अकाउंट्स हैं लेकिन rumble.com जो है शॉर्ट टर्म आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपकी वीडियोस बहुत अच्छी हैं, आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो आप rumble.com, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप rumble.com जो है वो जरूर ट्राई करें। सेम YouTube की तरह ही आप वीडियोस पोस्ट करते हैं, आप अपनी नीच सेलेक्ट करते हैं कि आप कौन सी नीश को लेकर चलना चाहेंगे। आप एनिमल्स की वीडियोस पोस्ट करेंगे, आप एंटरटेनमेंट करेंगे, या फिर आप किसी भी टॉपिक को लेकर चलेंगे। आप एक दफा नीश सेलेक्ट करते हैं उसके ऊपर आप वीडियोस पोस्ट करते हैं जैसा कि आप यूट्यूब में पोस्ट करते हैं। बहुत ज्यादा जो सवाल आते हैं कि अकाउंट की, रंबल के अकाउंट की वेरिफिकेशन कैसे की जाए, तो माई डियर वेरिफिकेशन मैं जो है वो पिछले, जैसा कि आपको बता चुका हूं, 4 साल से यूज कर रहा हूं और एक दफा भी मैंने अपने किसी अकाउंट की भी वेरिफिकेशन नहीं करवाई। बट अगर आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो उसका भी बेस्ट वे ये है कि आपका अगर कोई भाई दोस्त गल्फ कंट्रीज में, यूरोप में, यूके में या यूएसए में कहीं में भी सेटल है, आप उसका नंबर पुट करें, उसके बाद आपको एक कोड आएगा और आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मैंने अपना जो अकाउंट है वो बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं करवाया, कोई अकाउंट भी वेरीफाई नहीं करवाया, और मैं अर्निंग जो है वो अभी तक जो है वो अर्निंग, अच्छी खासी अर्निंग rumble.com से अर्न कर रहा हूं। तो बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है rumble.com पे अर्निंग जो है वो अब ज्यादा ईजी हो चुकी है। पहले क्या रूल था, जब मैंने 3 या 4 साल पहले जब मैंने rumble.com स्टार्ट की तो उस वक्त रूल ये था कि आप पहली वीडियो पोस्ट करते थे, उसके बाद रंबल जो है, उसके बाद रंबल की टीम जो है वो आपका चेक करती थी वीडियो कि आपकी वीडियो कैसी है। अगर आपकी वीडियो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक पूरी उतरती थी तो उसके बाद आपको जो है वो आपने अपने अकाउंट में जो ईमेल एड्रेस दिया था उसके ऊपर वो आपको ईमेल सेंड करते थे।
जी आपकी वीडियो किसने बनाई, कब बनाई, किधर बनाई, और आपकी वीडियो जो है वो YouTube पे पोस्ट नहीं हुई। अगर YouTube पे पोस्ट हुई है तो वो मोनेटाइज चैनल पे तो नहीं पोस्ट हुई। ये सारे सवाल पूछे जाते थे वीडियो फर्स्ट वीडियो को मोनेटाइज करने से पहले। जब आपको एक ईमेल आई, आपने उसका रिप्लाई किया, जी ये मेरी वीडियो है, ये मैंने इस ईयर में बनाई, इस वक्त बनाई, इस जगह बनाई, और मैं इसका ऑनर हूं, इसका कोई और बंदा ऑनर नहीं है, ये मैंने कहीं भी पोस्ट नहीं की, ये आपने उनको सेंड की ईमेल, उसके बाद उन्होंने चेक किया जी हाँ जी ये ओनर जो है ये इस वीडियो का है, उसके बाद आपकी वीडियो फर्स्ट वीडियो मोनेटाइज। उसके बाद अगर आप सेकंड वीडियो पोस्ट करते थे, पहले की बात कर रहा हूं, तो आप जो है वो इजीली सेकंड वीडियो जो है वो जैसे यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं वैसे पोस्ट करते थे। एक दो दिन जो है rumble.com उसको चेक करता था कि आया कि ये वीडियो किसी और की जो है वो मिल्कियत तो नहीं है, अगर नहीं तो rumble.com आपको जो है वो वीडियो का राइट दे देता था। उसके बाद आपकी जो अर्निंग स्टार्ट हो जाती थी वो आपकी अर्निंग फर्स्ट व्यू से स्टार्ट हो जाती थी। और अब क्या होता है, अब ये है कि आपकी अगर फर्स्ट वीडियो आप पोस्ट करते हैं rumble.com पे, रंबल की टीम जो है उसको वेरीफाई करती है, चेक करती है कि आया कि ये वीडियो जो है इस बंदे की है, ये इसका ऑनर है, कहीं और पे इसने पोस्ट नहीं की हुई। सारी वेरिफिकेशन के बाद जो है वो रंबल की टीम आपकी वीडियो को मोनेटाइज कर देगी। पहले क्या था, बहुत लंबा प्रोसीजर था, अब रंबल को यूज करना बहुत ईजी है। अगर आपकी वीडियो जो है कहीं और पोस्ट है तो रंबल आपको वहां पे एड फ्री लिख देगा। एड फ्री का क्या मतलब है, एड फ्री का मतलब है कि आपकी वीडियो जो है उसके ऊपर अगर आपके YouTube के व्यूज आएंगे तो आपको उसकी अर्निंग नहीं मिलेगी, बल्कि अगर आपके सिर्फ रंबल पे व्यूज आएंगे, रंबल वेबसाइट पे अगर कोई आपकी वीडियो देखेगा तो उसके ऊपर जो व्यूज आएंगे उसकी अर्निंग आपको मिलेगी। लेकिन अगर rumble.com आपकी वीडियो को मोनेटाइज कर देता है तो इसका मतलब है कि आपकी वो वीडियो अगर यूट्यूब पे भी कोई देखता है बंदा तो उस व्यू के भी आपको अर्निंग यहां पे rumble.com अपने स्पेसिफिक जो है वो प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको देगा। तो बहुत जबरदस्त जो है rumble.com एक प्लेटफॉर्म है, बहुत इजी वे है आप अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है कि आप विदड्रॉ कैसे करवा सकते हैं। जी ये भी बहुत इजी है कि आप विदड्रॉ पेपाल के थ्रू भी करवा सकते हैं, पॉइनियर के थ्रू भी करवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पेपाल जो है वो पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है, लेकिन पॉइनियर के थ्रू आप पाकिस्तान में अर्निंग कर सकते हैं, पाकिस्तान में विदड्रॉ करवा सकते हैं। अगर आपकी अर्निंग rumble.com पे मोर देन 50 हो जाती है तो आप इसको इजीली विदड्रॉ करवा सकते हैं, पेपाल के थ्रू भी और पॉइंटर के थ्रू भी। पेपाल अगर आप पाकिस्तान में बनवाना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजी वे है, आप पाकिस्तान में रहकर इजीली पेपाल बना सकते हैं। उसका तरीका क्या है, बिल्कुल आपको शॉर्ट बताता हूं कि उसका क्या तरीका है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। पेपाल अगर आप पाकिस्तान में रहकर बनाना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपका कोई दोस्त, आपका भाई, आपका कोई जानने वाला किसी गल्फ कंट्रीज में या फिर किसी यूरोप कंट्री में रहता है तो आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर वहां पे देकर, उसकी कंट्री वहां पे मेंशन करके, उसका नाम मेंशन करके आप जो है पेपाल पे अकाउंट बना के आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपका भाई जो है वो अपना बैंक अकाउंट आपको दे देता है, बैंक अकाउंट डिटेल दे देता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि पेपाल से आप ट्रांसफर कर सकते हैं अमाउंट पायनियर में, और पायनियर से आप इजीली अपने किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं, क्योंकि पेपाल पाकिस्तान में एलिजिबल नहीं है और पायनियर पाकिस्तान में एलिजिबल है। अब आपका सवाल ये होगा कि अली भाई पेपाल से पायनियर में कैसे ट्रांसफर करें, तो ये भी बहुत इजी तरीका है कि आप पेपाल से अपनी जो अर्निंग है उसको इजीली पायनियर में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जो है वो rumble.com का इंट्रोडक्शन आपको जो है वो मिल चुका होगा, आपको इसका आइडिया हो चुका होगा, आपको इसकी नौ हो गई होगी कि rumble.com क्या है, उसके थ्रू आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं। एक डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो जो है इसकी, इसी वीडियो का सेकंड पार्ट जो है वो इंशाल्लाह जल्द जो है वो मैं अपलोड करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप वीडियो कैसे पोस्ट कर सकते हैं, उसमें मैं आपको अपने अकाउंट्स बताऊंगा कि ये मेरा अकाउंट है, इसके ऊपर मैं इतनी अर्निंग कर चुका हूं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। ये बहुत बड़ा जो है वो सवाल किया जाता है कि न्यू अकाउंट जो है वो बेस्ट और बिल्कुल करेक्ट वे से कैसे न्यू अकाउंट क्रिएट किया जाए, वो आपको बताऊंगा। और आपको बताऊंगा कि आप कैसे इससे अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं वीडियोस बना के, खुद अपनी वीडियोस बना के। और एक आखिरी बात इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप
किसी और की वीडियो यूज नहीं करेंगे। rumble.com जो है इनकी टेक्नोलॉजी, इनका जो स्टाइल है वो बहुत ही अप टू डेट है। अगर आप किसी की वीडियो चोरी करके rumble.com पे पोस्ट करेंगे तो rumble.com जो है उसकी टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है, इतनी अप टू डेट है कि वो आपको जरूर पकड़ लेगी और आपका अकाउंट जो है वो उसको ब्लॉक कर देगी। सो क्या करना चाहिए कि अगर आप अच्छी वीडियोस बनाते हैं, अपनी बनाते हैं किसी एक स्पेसिफिक नीश के ऊपर, तो आप अपनी वीडियोस बनाएं और अपनी वीडियोस जो हैं वो आप rumble.com पे पोस्ट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।